बुधवार को अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर यूथ कांग्रेस ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल ने कालापीपल विधानसभा क्षेत्र के विधायक कार्यालय से तिरंगा यात्रा सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हुई, जिसमें कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय सेवा दल अध्यक्ष महेंद्र जोशी, क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कुणाल चौधरी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना एवं कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी, किसान बंधु, युवा साथी सम्मिलित हुए। इस यात्रा में सेवा दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र जोशी ने प्रेस वार्ता में बताया कि तिरंगा यात्रा कालापीपल विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुई है, सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी हमेशा से तिरंगे का सम्मान करती आई है और तिरंगा अपने हाथों में लेकर हम लोग गौरव महसूस करते हैं। इसके पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम जिस आज़ाद मुल्क में जी रहे हैं और 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। काला पीपल से राजू विजय शर्मा की रिपोर्ट। तिरंगा यात्रा अभियान चल रहा है, आप तिरंगा यात्रा में बोलते हैं। मैं इसको इस तरीके से कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस तिरंगे को अपने हाथों में उठाते हुए जिस गौरव का अनुभव करती है, उसके पीछे हमारे देश के असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम जिस आजाद मुल्क में जी रहे हैं और उसका 75वां वर्ष मना रहे हैं, मैं इस बात को जरूर कहता हूं कि वो इतिहास गवाह है इस बात का कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, इन सबके नेतृत्व में हमने आज़ादी को अंग्रेजों से छीना है। अपने आंदोलनों के माध्यम से जनता को साथ में लेकर के हमने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के ये आज़ादी मिली है। ये सिर्फ कोई शासकीय औपचारिकता नहीं है, हमारे लिए तिरंगा बहुत कुछ मायने रखता है। 1906 से इस ध्वज की, भारत के ध्वज की यात्रा आरंभ होती है और कई किस्तों में कई तरीके से ये भारत का झंडा सिर्फ ये संस्कृति का परिचायक है, ये हमारी परंपराओं का परिचायक है, ये भारत के वैविध्य का, भारत की विविध संस्कृतियों का, इतने धर्म समुदाय पूरे विश्व में नहीं पाए जाते हैं। इस तिरंगे की छाया में सारे भारत एक है, उसको कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने साथ एक रखा है और इस देश की पूरी उन्नति में जो उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, उस आजादी की लड़ाई में जो सपना देखा था हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, उसको हम पूरा